In this video, we are going to introduce cosmetics and cosmeceuticals, and we are going to see the definition of cosmetics as per the Indian and European Union. Okay, so whenever we hear the word cosmetics, what is the first thing that comes to our mind? The first thing that comes to our mind is makeup or anything that makes an individual look prettier or it enhances the outer appearance of any individual, be it male or female. Cosmetics or the makeup products are anything that enhance the beauty of a person. Okay, so cosmetics as per Indian Union is defined as the means of any article intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on or introduced into or otherwise applied to the human body or any part thereof for cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance. इट मीन्स कि कुछ भी ऐसा आर्टिकल मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या फिर कोई भी क्रीम या फिर जेल पेस्ट कुछ भी, ठीक है, जो जिसका काम क्या होगा, या तो अगर हम उसे रब करें अपनी स्किन पे हम उसे रब करें या फिर हम पोर करें मतलब उसे लौटें किसी को मतलब उसको पोर आउट करें या फिर स्प्रिंकल मतलब उसे छिड़के अपने फेस पे, ऐसे फॉर एग्जांपल हमने हाथ में गुलाब जल लिया और उसे ऐसे करके स्प्रिंकल कर दिया फेस पे, ठीक है, या फिर उसको स्प्रेड ऑन या फिर हम उसे स्प्रे कर रहे हैं किसी एरोसॉल बॉटल टाइप की प्रिपरेशन है और हम उससे उसे स्प्रे कर रहे हैं, जैसे हमारे डिओड्रेंट्स हो गए, एंटीपर्सपिरेंट्स हो गए या फिर इस तरह की प्रिपरेशन, और अदरवाइज अप्लाई टू या फिर हम उसे अप्लाई कर रहे हैं टू द ह्यूमन बॉडी और एनी पार्ट अपनी ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट पर, या हमारा फेस हो गया, हमारे हैंड्स हो गए, फीट हो गए, नेक हो गई, देयर ऑफ फॉर क्लेंजिंग, जिससे क्या हो, जिससे हमारे जो मतलब हमारा बॉडी पार्ट है वो क्लेंज हो, ब्यूटीफाई हो और उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो बढ़े, हमारी अपीयरेंस को ऑल्टर करके, उसमें कुछ चेंजेस करके. फॉर एग्जांपल अगर हमारे कोई एक्ने मार्क्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, तो मेकअप से क्या होगा, वो चीज़ें हाइड हो जाएंगी और हमारी जो अपीयरेंस है वो ऑल्टर होगी, चेंज होगी, जिससे क्या होगा, जो ब्यूटी है पर्सन की, अट्रैक्टिवनेस है वो बढ़ेगी, ठीक है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एज पर इंडियन यूनियन. नाउ वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन एज पर यूरोपियन यूनियन. मतलब दोनों के सेम है. कॉस्मेटिक्स ऐसा तो नहीं होगा ना कि मतलब चेंज हो जाएगा, कॉस्मेटिक कुछ और या फिर एज पर इंडियन यूनियन अलग है, यूरोपियन यूनियन अलग है, बट ये इसलिए डेफिनेशन आपको दी हुई है, ये हमारी एग्जैक्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन हैं. अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जनरली व्हाट इज़ कॉस्मेटिक्स, तो आपको जो अच्छा लगे, जो आपके ध्यान है, अपने मन से लिख सकते हैं. बट अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कॉस्मेटिक्स एज पर इंडियन यूनियन या फिर व्हाट इज़ कॉस्मेटिक्स एज पर यूरोपियन यूनियन, तब आपको पूरा इसी तरह से मतलब यही डिट्टो लिखनी होगी डेफिनेशन, ठीक है. आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली मेमोराइज हो जाएगी. Now, as per European Union, cosmetic products are the substances or mixtures of substances intended to be placed in contact with the external part of human body, be it hair, nails, skin, etc., or with the teeth and mucous membranes of oral cavity with a view exclusively or mainly to cleaning them, perfuming them, changing their appearance, protecting them, keeping them in good condition, or correcting the body odor. अब जो हमारे यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन थोड़ी और ज़्यादा मतलब मॉडर्नाइज या फिर और ज़्यादा डिटेल्ड है. मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस या फिर किसी भी तीन चार पाँच छः चीज़ों का मिक्सचर जो क्या कर रहा है, इंटेंडेड टू बी प्लेस, जिसका क्या काम है, हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट जो है, इंटरनली नहीं, हमें उसे खाना पीना नहीं है, सिर्फ हमें अप्लाई करना है, तो एक्सटर्नल पार्ट्स हमारी बॉडी के, जैसे हमारे हेयर हो गए, हमारे नेल्स हो गए, हमारी स्किन हो गई, और विद द टीथ एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी, लाइक हमारा टूथपेस्ट, टूथब्रश है, माउथ वॉशेज हैं, विद अ व्यू एक्सक्लूसिवली और मेनली टू क्लीनिंग डैम, जिनका काम क्या है, या तो क्लीन करना उनको या फिर उनको परफ्यूम करना कि उस पर अच्छी स्मेल आए, चेंजिंग देयर अपियरेंस, बल्कि उसकी अपियरेंस को चेंज करके, प्रोटेक्टिंग डैम, उनको बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स से बचा कर, हमारी सनस्क्रीन्स हो गए या फिर दूसरी हमारे मॉइस्चराइजर्स हो गए, कीपिंग देम इन गुड कंडीशन, ताकि जो उनकी हेल्थ है, हमारी स्किन फॉर एग्जांपल, हमारी स्किन है तो उसकी हेल्दी रहे, हमारे हेयर है, हम उसमें ऑयल अप्लाई कर रहे हैं या फिर कुछ अच्छा कंडीशनर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे हेयर हेल्दी रहें, और करेक्टिंग बॉडी ओडर या फिर हमारी जो बॉडी है वो अच्छी स्मेल करें, ठीक है. तो ये सारी हमारी जो चीज़ें हैं ये हमारे अल्टीमेटली मिलकर बनाती हैं कॉस्मेटिक्स. तो हमारा जो अल्टीमेट डेफिनेशन निकल कर आती है कॉस्मेटिक्स की, वो यही है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट, जिससे हमारी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो एनहांस हो, वो और अच्छी हो, ठीक है, और पर्सन बिकम्स मोर अट्रैक्टिव. नाउ अब ये तो हमारी कॉस्मेटिक थी कि किसी भी मतलब कोई आर्टिकल या प्रोडक्ट हम यूज़ करके हमारी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है हम उसे अच्छा कर रहे हैं. अब कॉस्मेस्यूटिकल क्या है? अब इस कॉस्मेटिक में हमने क्या करा, एक API ऐड कर दिया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया, जिसका क्या होगा, एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा,
ठीक है, जो अपना कुछ एक्शन शो करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा कॉस्मोस्यूटिकल, द कॉस्मेटिक प्रिपरेशन दैट हैव एनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड शो सर्टेन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आर नोन एज कॉस्मोस्यूटिकल्स। ठीक है, कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक प्रिपरेशन जिसमें कोई API हो और वो कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे, तो वो हो गया हमारा कॉस्मोस्यूटिकल। दे डेजिग्नेट द प्रोडक्ट्स दैट आर एट बॉर्डर लाइन बिटवीन कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये जो हमारे कॉस्मोस्यूटिकल्स होंगे, ये इट इज़ अ लिंक बिटवीन कॉस्मेटिक्स एंड द फार्मास्यूटिकल्स। तो दिस इज ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन अबाउट कॉस्मेटिक्स एंड कॉस्मोस्यूटिकल्स।